नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं एक सिंपल क्वांट एनालिसिस विद काउंटिंग फंक्शन। तो मैंने पिछला वीडियो जो रिग्रेशन एनालिसिस का बनाया था वो काफ़ी टीडियस हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब कुछ सिंपल सा पोस्ट करते हैं लेकिन वो भी यूज़फुल हो। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा क्वांट एनालिसिस यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस विद काउंटिंग फंक्शन। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, हमारा टारगेट ये वीडियो में ऐसा है कि एक साल में विद इन वन ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, कि कितने बार वो निगेटिव गया और कितने बार वो पॉजिटिव आया। तो देखते हैं हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेल में निफ्टी का क्लोजिंग डेटा लेके रखा है एक साल का, 1 दिसंबर 2017 से लेके 27 दिसंबर 2018 तक। तो यहाँ पर डेट्स है फर्स्ट कॉलम में, फिर यहाँ पर निफ्टी का क्लोजिंग है और अभी हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न। तो अभी रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जाइए डिज़ायर सेल में, पहले इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे पहले अपर साइड में कुछ नहीं है, अपर साइड एम्प्टी है इस सेल का, तो इसलिए कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल। तो जाइए डिज़ायर सेल में और वहाँ पर लिख लीजिए इज़ इक्वल टू ये सेल यानी एंड डेट डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग डेट माइनस वन। ठीक है, ऐसा करने से आपका रिटर्न आ जाएगा। और अभी आपको इसको सिंपली डबल क्लिक करके नीचे भेजना है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा कवर कर लेगा। ठीक है, जो कि मेरा डेटा जाता है 247 रो तक, तो काफ़ी नीचे तक जाता है डेटा। तो मैं आपको एक बार पूरा डेटा दिखा देता हूँ, ये जाता है 27 दिसंबर 2018 तक। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है और अभी हम करते हैं इसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। तो नंबर फॉर्मेट में जाइए और इसको कर दीजिए परसेंटेज, तो ये आ गया सबका परसेंटेज। ठीक है, अभी हमको कैलकुलेट करना है कि एक साल में निफ्टी ने कितनी बार निगेटिव में गया और कितनी बार पॉजिटिव में आया। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल है। तो जाइए डिजायर सेल में, वहाँ लिख दीजिए काउंट इफ। ठीक है, तो आपका रेंज पूछेगा, तो आपको ये रेंज हाईलाइट करनी है आपकी, जो यहाँ से शुरू होती है C5 से लेके। तो ये अभी मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर सीधा प्रेस करता हूँ कि C5 से लेके C5:C250। ठीक है, C250 ऐसा मैं डाल देता हूँ क्योंकि मैंने ये पहले से लिख के रखा था। और उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए और फिर लिख दीजिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको इन्वर्टेड कोट्स में लिखना है, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, लेस देन ज़ीरो लिख दीजिए और कॉमा बंद कर दीजिए। तो अभी ये काउंट करेगा कि कितने बार हम निगेटिव में गए थे। तो देखिए, ये टोटल काउंटिंग डे था, मैंने करके रखा था, ये 245 था और ये अभी टोटल निगेटिव कितने दिन थे, 113। और अभी देखते हैं हम पॉजिटिव कितने दिन थे। तो वही फार्मूला इज इक्वल टू, उसका सिर्फ अपोजिट करना है हमें, काउंट इफ। ठीक है, रेंज दीजिए उसको, तो रेंज में यहाँ से C5:C250 ऐसा देता हूँ और कॉमा देता हूँ, वो क्राइटेरिया में जाएगा। क्राइटेरिया आपका डबल कोट में और ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ऐसा करके कॉमा बंद कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये आ गया 132। तो देखा आपने कि एक साल में
निफ्टी 46% बार नीचे गया और 53% बार ऊपर आया है, पॉजिटिव में रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा काउंटिव फंक्शन से छोटा सा क्वांट एनालिसिस। ये एक रिफ्रेशमेंट वीडियो था जो कि हमने रिग्रेशन के बाद में देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।